दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको फुल स्क्रीन लोगो एडिट करना सिखाने वाला हूं बिल्कुल सिंपल स्टाइल के अंदर। तो मैं काफ़ी सोच रहा था और काफ़ी भाई ने कमेंट भी किए भाई फुल स्क्रीन लोगो एडिट करना सिखाओ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो लोगो है वो मैं आपको इस तरीके से सिखाने वाला हूँ। अलग अलग PNG ग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हैं और आप अपने नाम को बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड है तो आप किस तरीके से ऐसा लोगो एडिट करेंगे, जो भी स्टेटस आप एडिट करते हैं सबसे आगे उसके आप इस तरह का जो लोगो है उसको लगा सकते हैं। तो कंप्लीट आपका भाई आज के इस वीडियो में सिखाएगा आपको। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और इस तरह का जो फुल स्क्रीन लोगो है वो आपको कंप्लीट एडिट करना आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। आपका भाई आपको बिल्कुल कंप्लीट सिखाएगा और बताएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी फॉन्ट बैकग्राउंड ग्राफिक्स PNG जो कुछ भी मैंने यूज किया है इस लोगो को एडिटिंग करने के लिए वो सब कुछ आपको दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉन्ट आपको सारे अलग से मिल जाएंगे फोल्डर में और आपको PNG और बैकग्राउंड वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैंसल पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फुल स्क्रीन बैकग्राउंड है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, जिसके लिए आप नीचे फोन नंबर पर क्लिक करना है। साइड में स्क्रॉल करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर आप क्लिक करेंगे। आपको मैं इस तरीके से एक बैकग्राउंड दे दूंगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। राइट पर आपको क्लिक करना है। बैकग्राउंड आपको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिजाइन ऑलरेडी मिल जाएगा, जो PNG सब कुछ ऑलरेडी ऐड कर रखा है। आपको क्या करना है, न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लेके आना है। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी है वो करेंगे। तो आपको इसको यहाँ पर लाना है, डबल टैप करना है। यहाँ पर जो भी आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, जिस भी नाम का लोगो आप एडिट करना चाहते हैं आपको उस नाम को टाइप करना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ ASR बना। उसके बाद जस्ट आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको ए पर क्लिक करना है, साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है और आपको ये वाला फॉन्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो मैं आपको दे दूंगा। जो फॉन्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ आप उनको इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको माई फॉन्ट पे क्लिक करना है। अगर आपकी फॉन्ट किसी एक फोल्डर में है तो आप उसको एक साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सारे फॉन्ट वो अलग अलग देने वाला हूँ तो आपको यहाँ पर फोल्डर के पास में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पर भी फॉन्ट है आप उन फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इस तरीके से आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको 3 से 4 फॉन्ट दे दूंगा। नीचे आपको ऐड सेलेक्ट पर क्लिक करना है, वो फॉन्ट आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपको ये वाला लेने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। आपको साइड में स्क्रॉल करके आपको कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर को ले लेना है। आपको जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने जो नाम लिख रखा है इसके नाम का जो सबसे फर्स्ट वाला शब्द है इसको आप सिलेक्ट करेंगे नीचे से और इसमें आप साइड में स्क्रॉल करके रेड कलर ले लेंगे। और आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इन तीनों को फुल रखना है तो रेड कलर वो थोड़ा गहरा हो जाएगा। ओके पर आप क्लिक करेंगे। बाकी जो नाम है इसके नाम का मैंने बना लिखा था, इसके नाम का भी जो फर्स्ट अक्षर है इसको आपको सिलेक्ट करके इसमें भी रेड कलर लेना है और आपको राइट पर क्लिक करना, आपका नाम इस तरीके से आ जाएगा। नाम पर डबल टैप करना और आगे यहाँ पर आपको क्लिक करके स्पेस दे देना है और पीछे क्लिक करके भी एक स्पेस दे देना है ताकि आपका नाम कटेगा नहीं। ओके पर आप क्लिक कर देंगे, आपका नाम बिल्कुल बराबर हो जाएगा। देखिए कलर हट चुका है, मैं इस कलर को रिटर्न से ले लेता हूँ। रेड कलर हमने डाला था लेकिन वो हट गया तो मैं इसको वापस से डाल देता हूँ। आगे के जो भी शब्द है जो कि हमने बड़े अक्षर में लिख रखे हैं उनमें आप कलर ले लेंगे। राइट पर क्लिक करना है, साइड में स्क्रॉल करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको साइडों पर। इसको आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पर जो ब्लर रेडियस है इसको आप यहाँ पर 3 तक रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में जाना है और आपको ये वाला जो साइड हो आपको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे वाला लाइन को थोड़ा सा डाउन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद जस्ट आपको राइट पर क्लिक करना है तो जो आपका नाम है उसके अंदर साइडो लग जाएगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको इसको यहाँ पर प्रोफेशनल सेट कर देना है। उसके बाद आपको कॉपी पर क्लिक करना है, सेम नाम कॉपी हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर लाएंगे। डबल टैप करना है, यहाँ पर जो भी अपने हिसाब से आप लिखना चाहते हैं, क्रिएक्शन एडिट्स जो भी है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएक्शन, जस्ट आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है, माई फॉन्ट पर आपको क्लिक करना है। इसमें मैंने 2 फॉन्ट का यूज किया, तो आप जैसे चाहे जैसे आपको बेस्ट लगता है उस फॉन्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला फॉन्ट का यूज किया, आप इसको सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें तो आपका नाम इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और इसके साइज को आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। और इस जो पूरा नाम है इसमें मैंने पूरा यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक किया और मैंने ब्लैक कलर लिया, आप ब्लैक कलर को लेंगे। आपको राइट पर क्लिक देना, अगर आप ये वाला फॉन्ट आपको अच्छा लगता है ये ले सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना साइड में स्क्रॉल करके फॉन्ट पर क्लिक करना। और इसमें मैंने एक अलग फॉन्ट का भी यूज किया तो वो भी आपको दे दूंगा, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। तो फॉन्ट वो एक आपको अलग से मिल जाएगा, ये वाला फॉन्ट आपको मैं दे दूंगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। ओके पर आपको क्लिक करना, आपका नाम आ जाएगा। नाम की साइज को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, साइड में आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पर हम कुछ ग्राफिक्स PNG ऐड करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर आप बीच में क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है।
काफ़ी सारे ग्राफिक्स पी है जो ग्राफिक्स PNG वो आपको दे दूंगा, आपको जो भी बेस्ट लगती है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको इस तरह से ग्राफिक्स PNG दूंगा, आपको जस्ट राइट पर क्लिक करना है, इसकी साइज को आप यहाँ से कम करेंगे और इसको परफेक्ट आप यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, इस तरीके से साइड में टैप करना है और यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगी। साइड में आप टैप करेंगे, आपको यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। अब आपको मैं कुछ अलग टाइप का PNG देने वाला हूँ जो कि कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, आपको सेलेक्ट करने के बाद राइट पर क्लिक करना होगा। इसकी साइज आप यहां से कम कर लेंगे इस तरीके से और इसको आप यहां पर सेट करेंगे। साइड में स्क्रॉल करेंगे, कलर पे क्लिक करके आपको ऑन कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यहां पर ले सकते हैं, ब्लैक, रेड, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। और आपको राइट पे क्लिक करना है, साइड में स्क्रॉल करके आपको साइडों पे क्लिक इसको ऑन करना है और जो सेकंड है सबसे फर्स्ट वाली लाइन इसको आप रखेंगे 1 तक। लास्ट में जाना है कलर के, आपको ये वाला कलर साइड आपको ले लेना है, उसके बाद आपको सबसे नीचे वाला लाइन को हल्का सा डाउन कर देना है और जस्ट आपको राइट पे क्लिक कर देना है तो उसके अंदर साइडों लग जाएगा जो कि और काफ़ी ज़्यादा रियल लुक आ जाएगा। ओके, इसको आप परफेक्ट यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। अब आपका काम यहाँ से हो चुका है, अब हम यहाँ पर नीचे नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ए पर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट आएगा, न्यू टेक्स्ट को आप यहाँ पर लाएंगे, डबल टैप करना है, यहाँ पर आपको जो भी अपने हिसाब से या जो भी अपने बारे में जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ द प्रोफेशनल लोगो एडिटर, या फिर अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ द प्रोफेशनल, मतलब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, साइड में स्क्रॉल करना है, फॉन्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अलग फॉन्ट का यूज करना होगा, जितने फॉन्ट मैं यूज करने वाला हूँ आपको मैं दे दूंगा। ओके, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करना है और इस वाले पॉइंट्स को मतलब लंबाई में खींच सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं दिख रहा है आपको साइड में स्क्रॉल करके कलर पर क्लिक करना है, ये वाला कलर आप इसमें ले लेंगे और आपको यहाँ पर प्लस में क्लिक, ये वाला कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जस्ट आपको ओके पर क्लिक देना है। इसकी साइज को आप इस कम करेंगे और यहाँ से लंबाई में खींच लेंगे, इस तरीके से नाम आ जाएगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। साइड में स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर स्पेसिंग पर क्लिक करना है, इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, जस्ट आप राइट पर क्लिक, इस तरीके से आ जाएगा। आप क्या करना, इस नाम पर क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करना, सेम नाम कॉपी हो जाएगा, सबसे ऊपर आएगा, इसको आप यहाँ पर लाएंगे, डबल टैप करना, हमने ऊपर लिख दिया द प्रोफेशनल, नीचे आप लोगो एडिटर, वीडियो एडिटर, अपने बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4K स्टेटस एडिटर, या फिर अपने बारे में एडिटिंग, उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक देना है। अब इसकी ये नाम आ चुका है, इसकी इस पॉइंट्स आप नाम को बढ़ा लेंगे इस तरीके से और इस वाले पॉइंट से इसकी साइज को कम कर लेंगे, इसको और लंबाई में हम खींच लेते हैं, इस तरीके से नाम आ जाएगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। और इस वाले पॉइंट से इसकी साइज को और हम कम कर लेते हैं। ओके, जस्ट आपको इसको यहाँ पर परफेक्ट सेट कर देना है नाम को। हम इसके अंदर एडिटिंग को हटा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा बड़ा नाम दिख रहा है। ओके पर हम क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से आप इसको परफेक्ट सेट कर लीजिएगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आप अपना नंबर डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट आएगा, न्यू टेक्स्ट को आप यहाँ पर लाएंगे, डबल टैप करना है, यहाँ पर अपना जो भी नंबर है वो आप नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि अन्यथा नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो नंबर डालेंगे। ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको करना है साइड में स्क्रॉल करना है और आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है, रिसेंट पे क्लिक करना है, जो भी फॉन्ट आप यूज करेंगे वो आपको रिसेंट पे मिल जाएंगे, ये वाला फॉन्ट अभी हमने यूज किया इसको सेलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना है और कलर आपको व्हाइट रखना है, इसकी साइज को आप यहाँ से कम कर लीजिएगा, इस तरीके से आप इसको कम कर लेना, आपका नंबर यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। आपका लोगो सिंपल क्रिएट हो चुका है, शेयर पर क्लिक करना है, डिफॉल्ट पर क्लिक करना है, अल्ट्रा पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करते हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप अलग अलग ग्राफिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड है, तो यहाँ पर मैं इस PNG को हटा देता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना, गोस्ट की PNG को हटाने के बाद मैं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको इस तरीके से अलग अलग PNG भी दे दूंगा, उनका भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक लोगों को एडिट करना है, उसके बाद अलग अलग PNG को ऐड करके आप अलग अलग लुक के अंदर लोगों को एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने इस वाली PNG को ऐड किया तो हमारा लोगो कुछ इस तरीके से आ चुका है, इसको आप डिलीट करेंगे, दूसरी PNG ऐड करेंगे तो उस तरीके से आपका लोगो आ जाएगा। तो आप जैसे चाहते हैं वैसे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। इस तरीके से भी दे दूंगा मैं, अगर आप क्रिएशन को रखना चाहते हैं रख सकते हैं, साथ में आपको मिल जाएगा, राइट पर आप क्लिक करेंगे और जो क्रिएशन नाम हमने लिख रखा है इसको आप डिलीट कर सकते हैं और इस वाले क्रिएशन नेम का यूज कर सकते हैं। आपको ऊपर यहाँ पर थ्री लाइन के नीचे लेयर पर क्लिक करना और यहाँ पर जो क्रिएशन हमने लिख रखा है इसको आप अनहाइड कर देंगे, राइट पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए ये नाम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जो कि इसके साथ आपको बेस्ट लगेगा। ओके, इसको आप डिलीट करके दूसरा भी क्रिएशन नेम उसको भी आप ले सकते हैं जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, राइट पे आपको क्लिक करना है, इसकी साइज को आप यहाँ से कम कर लेंगे और इसमें जो नाम है क्रिएशन ये आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी फॉन्ट लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भी आपका लोगो कंप्लीट एडिट हो जाएगा, जैसा आपको बेस्ट लगता है वैसे यूज आप कर सकते हैं, उसके बाद उसको सेव कर लीजिएगा, आपका लोगो एडिट हो जाएगा।